positions, making it impossible to release an electrified object. सर ग्लोबली बात करें तो हर साल दुनिया में 2.5 लाख लोगों की मौत इलेक्ट्रिसिटी से हो जाती है। सो ये तो रही बात इलेक्ट्रिसिटी से लोग मरने की, बट इलेक्ट्रिसिटी से लोग कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं A to Z सारी बातें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से हमें शॉक कैसे लगता है, सो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। सर अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसके पीछे तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। अब तीन मेन फैक्टर्स क्या होते हैं? पहली चीज़ वोल्टेज, दूसरी चीज़ करंट, तीसरी चीज़ रेजिस्टेंस। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वरना इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। सो इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में अगर वोल्टेज हमने अप्लाई किया हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी ने वोल्टेज को टच किया, जैसे ही वोल्टेज को टच किया वो हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी करंट फ्लो होगी, और फाइनल करंट जब पास हो जाएगी हमारी बॉडी से तब हमें करंट लगेगी। यानी कि इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो जब फाइनल स्टेज होती है, फाइनल स्टेज में करंट जब तक हमारी बॉडी से पास नहीं होगी तो हमें करंट नहीं लगता है, लेकिन जब करंट पास हो जाती है तो करंट लगता है। सेकंड चीज़, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है, ये डिपेंड करता है हमारी शेप एंड साइज कैसी है, उस हिसाब से हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। मेल्स का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है, ठीक, ये कोई बॉडी की रेजिस्टेंस की बात। तीसरी बात कि अगर पोटेंशियल नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तो वोल्टेज डिफरेंस के बिना करंट फ्लो नहीं होगा, यानी चार्ज फ्लो नहीं होंगे, सो शॉक लगने का कोई चांस नहीं है। यानी कि तीन चीज़ें डिपेंड करती हैं हमें शॉक लगने के लिए। ये तो बात हो गई कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, किस वजह से करंट लगती है। सो तीन फैक्टर्स और हैं जिस पर डिपेंड करता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। सो पहली चीज़, पाथ ऑफ द करंट, यानी कि किस पाथ से करंट हमारी फ्लो होगी, बॉडी के ऊपर से, बॉडी के अंदर से, बॉडी हमारी गीली है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि कितना अमाउंट करंट का फ्लो होगा। तीसरी चीज़ कि हम किस कॉन्टैक्ट में हैं, हम इंसुलेटर पे खड़े हैं, कंडक्टर पे खड़े हैं, सो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमें शॉक लगेगा। सो वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो हमने बात कर ली कि वोल्टेज चाहिए वोल्ट करंट को फ्लो कराने के लिए, और रेजिस्टेंस और बॉडी का कुछ ना कुछ होता है। सो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब फाइनल जिसकी वजह से हमें करंट लगती है वो चीज़ है करंट। करंट जब फ्लो होगी हमारी बॉडी के थ्रू से तब लगती है। सो मान लिया अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वोल्टेज से टच है, सो वोल्टेज से टच होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब मान लिया वो वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे बॉडी के अंदर से करंट का जो फ्लो है वो बढ़ता जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा? जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा तो जो हमारी बॉडी की ऊपर की स्किन है वो डेड स्किन होती है, सो वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, सो वैसे वैसे करंट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही जैसे करंट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा हमारे डेड स्किन सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगी। जो हमारी बॉडी की नस होती हैं वो, इससे हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस घटता जाएगा, वैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। अब ये बात आती है कि कितनी करंट हमारी बॉडी से पास होनी चाहिए कि हमारी डेथ हो सकती है, सो वो तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। सो एक कुछ फैक्टर्स हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी से कितना करंट फ्लो होना चाहिए कि उसकी डेथ हो सकती है। सो मान लिया आपकी बॉडी से 1 mA करंट फ्लो हो रही है, सो आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला। जैसे ही वो 1 से 10 mA करंट होगी वैसे ही आपको कुछ फील होने लगा, यानी कि झटके महसूस होने लगेंगे। फिर अगर आप उस करंट की वैल्यू बढ़ जाती है 16 A तक आ जाती है, सो आपका जो लंग सिस्टम है वो थोड़ा सा फास्ट काम करने लगे, यानी कि जो आपके लंग्स है वो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देगा। सो जैसे ही करंट 20 A के आसपास पहुंचेगी वैसे ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। सो जैसे ही आपकी बॉडी से 100 mA करंट फ्लो होगी वैसे ही आपका जो है डेड स्किन सेल सारी डैमेज होने लगेंगी, और जैसे ही करंट 2 A पहुंची वैसे ही आपका हार्ट सिस्टम फेल हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो कुछ ये प्रोसेस होता है करंट के फ्लो होने का और जिसकी वजह से हमारी डेथ होती है। और दूसरी चीज़ कि अब बात आती है, कि AC से कितना करंट फ्लो होना चाहिए और DC से कितना करंट फ्लो होना चाहिए। सो AC से अगर 2 से 3, 5 mA तक की करंट फ्लो होगी सो आपकी डेथ हो जाएगी। सो DC के लिए आपकी बॉडी से सिर्फ 500 mA करंट फ्लो होगी तब भी आपकी डेथ हो जाएगी, यानी कि 1/4 करंट फ्लो होगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।